हेलो हेलो, नमस्ते। चलो इसको एक बार फिर से देख लो न्यूमेरिकल, ठीक है? इस न्यूमेरिकल को हम फिर से बता दें। सवाल है तुम्हारा, 150 × 10 mm की एक चपटी प्लेट है, ठीक है? सवाल कह रहा है 150 × 10 mm का चपटी प्लेट है, जिसको गसेट प्लेट के साथ जो है जोड़ा गया है, और जो फिलेट वेल्ड है उस फिलेट वेल्ड की जो लंबाई है वो क्या है, 6 mm है। यानी कि यस की जो वैल्यू दी हुई है वो 6 mm दी हुई है। बस भाई, अब कह रहा है कि यदि फिलेट पर तनन प्रतिबल, ठीक है, यदि फिलेट पर तनन प्रतिबल का मतलब क्या हुआ, FS, ठीक है, FS का मान 150 Nm/mm² है, और अनुगेय अपरूपण प्रतिबल, ठीक है, ये जो ऊपर तनन प्रतिबल था वो तुम्हारा क्या फोर्स था, ठीक है, 150 Newton या Newton/mm लिखा है, न्यूटन होगा वो, ठीक है, और जो अनुगेय अपरूपण प्रतिबल है 110 Nm/mm² है। तो पूछ रहा है कि वेल्ड की जो है आवश्यक लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना? जी सर। अब देखो, ये तुम्हारा जो इस तरह से बना हुआ है ना, ये तुम्हारा गसेट प्लेट है यहाँ पे, ठीक। अब इसके ऊपर जो साइज दी हुई है 150 × 10 mm, इसके ऊपर इस प्लेट को क्या करेंगे, हम ऐसे रख के जोड़ेंगे, बात समझ आई? तो जब जोड़ेंगे तो देखो 150 × 10 mm का जो प्लेट ये ऊपर रखा गया है, कुछ इस तरह से जोड़ोगे, ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से ऐसे ऐसे जोड़ते हुए जाओगे, है ना, समझ में आ रहा है? जी सर। तो यहाँ देखो चित्र में जो है तुम्हें दिखा रहा होगा, ये साइड से देखो ये इतना किया हुआ है, फिर इधर से यहाँ जोड़ेगा ये पूरा, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ए मान लें ये पॉइंट, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, ठीक है, तो ए से लेकर ये पूरा बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, तो ये पूरी लंबाई एल का मान पूछ रहा है कि कितना होगा क्वेश्चन में, बात समझ में आई? यस सर। समझ में आया ना क्या निकालना है, कितनी लंबाई तक वेल्ड किया गया है, कहाँ से कहाँ तक वेल्ड किया गया है, उसकी पूरी जो है परिमाप पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, बात समझ आई? तो सवाल में हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है पहले, ठीक है, वेल्ड की लंबाई दी हुई है, ठीक है, फिलेट वेल्ड की लंबाई स्मॉल एस की वैल्यू दी हुई है कितनी, 6 mm, ठीक है, यहाँ देखो दिया हुआ है। इसके बाद जो है अनुगेय प्रतिबल दिया हुआ है, अपरूपण प्रतिबल, ठीक है, यहाँ देखो अपरूपण मतलब क्या, शियरिंग, FS, शियरिंग प्रतिबल दिया हुआ है कितना, शियरिंग स्ट्रेस 110 Nm/mm², ठीक है। ये दो चीज़ें तुम्हें दी हुई हैं, प्लेट की साइज दिया हुआ है कितना, 150 × 10 mm, बस मैं तुमको L निकालना है, तो L जो निकालना रहता है उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है L वाला, यहाँ देखो फार्मूला L वाला, ये पीच कल टू होता है KSL × FS होता है जी सर। अब इसमें क्या क्या सवाल में दिया हुआ है, देखो K का मान सबको पता है 0.7 होता है, याद रखना जी, 0.7। सवाल में यस का मान कितना दिया हुआ है, 6, ठीक है, और पी का मान दिया हुआ है जी सर, अच्छा नहीं दिया है, का मान निकाला गया सर, वो दिया है 225 0। अरे उसको छोड़ो, पहले ये देखो ना FS का मान, अरे FS का मान दिया हुआ है सवाल में, 110 दिया हुआ है। अब पी जो तुम्हारा है वो क्या है, फोर्स है, सुनो पी इक्वल टू क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन एरिया, एक मिनट, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, तो एफ बराबर क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो हम लिख सकते हैं अगर एफ को फोर्स को हम पी से दर्शाएं, ठीक है, तो बल बराबर क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया होगा, होगा ना। अब देखो तो यहाँ पर तुम्हें जो है पी को निकालना होगा, पी कितना होगा, पी तुम्हारा क्या है, वो बल का मान है, यहाँ देखो, अब देखो निकालेगा, पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ है इसको नोट कर लेते हैं, एस का मान दिया हुआ है नोट कर लिया, एल निकालना है, FS जो है 110 होता है, सवाल में दिया भी है 110, ठीक है, के का मान जो है 0.7 होता है, बात समझ आई?
प्लेट का साइज दिया हुआ है 150 × 10 जी, तो प्लेट की एरिया हो जाएगा 1500 mm². यस 150 × 10 करोगे तो 1500, ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, समझ में आया जी। अब देखो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो तुम्हारा प्रतिबल दिया हुआ है उस एरिया से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो एरिया हमने 1500 निकाला है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे किया हुआ है, देखो यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है स्ट्रेंथ लिखा, ये स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस है, हाँ 150 तुम्हारा हो जाएगा इनटू एरिया, एरिया कितना है 1500, सवाल में 150 दिया हुआ है। ठीक है, और इनटू एरिया 1500, तो गुणा करोगे कितना आएगा, 15 अब ये काम तुम हमको बताओ नहीं, ये काम तुम कैलसी पे करना बैठ के घर पे। ठीक है, पी का मान आ जाएगा यहाँ से, पी का मान आ जाएगा। हाँ, और तुमको हम बता रहे थे एल निकालने का फार्मूला क्या था, एल निकालने का फार्मूला था पी बराबर के एस एल इंटू एफ एस। यहाँ देखो फार्मूला है ना, इसी से तो निकलेगा एल का मान, क्योंकि एल इसी में है। तो अब यहाँ से हमने जो है क्या क्या निकाल लिया है फार्मूले में, देखो P इक्वल टू के एस एल एफ एस, तो P निकल जाएगा, P दिया हुआ है हमने निकाल लिया है। ठीक है, 1500 × 150 कर दिया था, K का मान 0.7, S का मान 6 और एफ एस का मान 110, तो L निकल जाएगा। तो यहाँ से जब L निकल जाएगा तो L क्या होता है तुम्हारा, देखो L यहाँ निकाला हुआ है, सॉल्व किया है। ठीक है, आंसर आया तुम्हारा कितना, 487.01 mm। ठीक है, यस सर। अब देखो यल क्या होता है तुम्हारा, प्रभावी लंबाई, पूरा कहाँ से कहाँ तक वेल्डिंग किया गया है उसकी पूरी लंबाई दिया हुआ है। बात समझ में आई, समझ में आया। जो प्लेट तुम्हारा ऐसे है, ये मान लो प्लेट है, तो यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन प्लस ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन इतना ज्वाइंट किया गया है गसेट प्लेट से। ठीक है, गसेट प्लेट ऐसे नीचे लगा हुआ है तुम्हारा। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक कितनी लंबाई हुई, यल, यल कितना होगा 487.01 mm। ठीक है, अब देखो इसमें तुमको निकालना है कि साइड वाला ये जो पोर्शन है ये और ये कितना होगा। बात सुनाई, ए बी अलग निकालना है, बी सी अलग निकालना है, सी डी अलग निकालना है, और टोटल लंबाई दी है 487। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ए बी बराबर सी डी होगा कि नहीं होगा, होगा, यहाँ ध्यान से देखो, ए बी बराबर सी डी होगा, और ये कितनी लंबाई होगी, ये जो है साइड वाला बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक जो लंबाई होगी 150, प्लेट की साइज तो दी हुई है भाई, एक साइड इधर भी तो वेल्डिंग करोगे, इसका लंबाई हमें पहले से पता है 150 है, यहाँ देखो सवाल में दिया है ना 150 × 10, 150 जो एक साइड से होगा ही होगा, यहाँ भी 150 होगा, यहाँ भी 150 होगा, लेकिन वेल्डिंग हम केवल यहीं कर रहे हैं, तो 150 हमें पहले से पता चल गया, और ये दोनों बराबर हैं, बी ए और सी डी, ए बी और सी डी बराबर हैं। हाँ Yes, sir.
तो जो टोटल लंबाई एल आया हुआ है उसमें से पहले 150 इतना घटा देंगे हम लोग तो कितना आएगा 337 आएगा। अब जो 337 है भाई टोटल लंबाई ए से लेकर डी तक, ए बी सी डी लेकर पूरा जो तुम्हारा लंबाई है वो 487 है और 150 हमें पता है पहले से, ये बी से लेकर सी तक है तो 150 घटाया तो वैल्यू आएगी 337 है ना। अब हमें पता है कि ए बी बराबर सी डी है ना, ए बी बराबर सी डी है तो हम भाई दो से भाग दे देंगे तो ए बी और सी डी की अलग अलग लंबाई पता चल जाएगी, जितना ए बी होगा उतना सी डी होगा, ठीक समझ में आया। तो इसीलिए देखो यहाँ किया है 487, यहाँ देखो 487 माइनस 150, 150 घटा दिया क्योंकि पहले से ही पता है ये लंबाई इतना वेल्डिंग किए हुए हैं, ठीक है तो बचा कितना 337। अब 337 क्या है, आधा हिस्सा इधर है आधा हिस्सा इधर है तो 337 का क्या किया है, इसने दो से भाग दे दिया तो वैल्यू आई कितनी 168.5 mm। तो ये जो लंबाई होगी वो क्या होगी, लेटरल लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही साइड का है ना। हाँ समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछो। किसमें है देखो इसी तरह का सवाल यहाँ भी दिया हुआ है, ये रहा ठीक है, इसको लगाए हो तुमने इस सवाल को लगाए हो, वहाँ पर जो स्टील टेबल है उस स्टील टेबल में जाकर उस वैल्यू को 70×70 साइज होगी और प्लस 8 mm जो थिकनेस है उसके लिए तुमको जो है एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा कितना होता है वहाँ दिया रहता है, ठीक है। तो ये जो देखो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन दी गई है, दिखाई दे रहा है ये जो लाइन गई है, ये देखो ऊपरी किनारे से 20.2 cm पे है, लिखा हुआ है ना। अब यही चीज जो है तुमको कोर्ट से देखकर नोट करना होगा, 20.2 जो आया हुआ है तभी सॉल्व होगा ये न्यूमेरिकल, बिना उसके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तुमको, बस दे देगा कि ये सेक्शन है। अब इस सेक्शन के लिए जो है आप डिजाइन करिए या मान निकालिए, तो इस सेक्शन के लिए जो तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जो साइज दी रहेगी उसी के आधार पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कोर्ट से देख के निकाल लेंगे, ठीक है फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। बात समझ आ रही है? अब इसके लिए देखो कोड तुमको हम दिखा दे रहे हैं कैसे देखोगे, हम एक जो है उसका रखे हुए हैं, देखो एक पेज हम करे हुए हैं, ठीक है ये देखो पेज है दिखाई दे रहा है। यस सर, इस सवाल के लिए देखो साइज दिया हुआ था 70×70×8 दिया था, सेक्शन कुछ इस तरह का था, दिखाई दे रहा है सेक्शन जो है एंगल सेक्शन है ये, ठीक है एंगल सेक्शन है ना, एंगल पे है ना एक दूसरे के। अब देखो इसमें 70×70 कहाँ पे है, देखो ये रहा 70×70 वाला है ना, और थिकनेस कितनी थी 8 थी तो 8 दिखाई दे रहा है, 70×70×8 हो गया। अब इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सीधाई चले जाओ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मिलेगा तुमको, इसके सीधाई चले जाओगे तो ये मिलेगा 20.2 पे, दिखाई दिया। यस सर। तो यही मान उठा के वहाँ पे लिखोगे 20.2 mm कहाँ से, इसके नीचे से या टॉप ऊपर से, ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने दूरी पे है 20.2। हाँ यही तुमको तुरंत नोट कर लेना है, वहाँ से तुम जो है 70 में से घटाओगे तो ये दूरी जो है 20.2 घटा दोगे तो ये भी मिल जाएगा ना ऊपर से जी। भाई टोटल 70 है, ये इतना यहाँ से यहाँ तक 20.2 है तो ये निकल जाएगा इतना, 70 - 20.2 करोगे तो निकल जाएगा, ठीक इतना सीख गए जी। सर हाँ ऐसे मान लो अभी 80×80×8 कर दे तो हम चलेंगे खोजेंगे 80×80 वाला यहाँ पे है, अब इसके लिए देखेंगे 80×80×8 यहाँ पे देखो ये है ना, इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हो गई 22.2 दिखाई दे रहा है, देख लोगे टेबल में इतना
हाँ, अब मान लो क्या है, 90 गुणे 90 गुणे 10 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, तो 90 गुणे 90 यहाँ पे है, तो यहाँ देख लेंगे 10 यहाँ पे, 90 गुणे 90 गुणे 10, अब 10 के लिए कितनी वैल्यू है, 25.9, ठीक है, उठा के वैल्यू रखना, बाकी चीज़ें सॉल्व करने को तरीका कल हम बताएंगे तुम लोगों को, ठीक। अब इसको हम ग्रुप में तुम्हारे भेज दे रहे हैं, एक बार तुम लोग देख लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ